जैसे राउंड वैसे दौड़ते हैं, सब आर्मी का तैयारी करता है और एयरफोर्स का। तो मैं हूं अमित रावत और आप लोग के सामने एक नई ब्लॉग लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को हाल चाल पूछ लेता हूं, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ही अच्छे होंगे। तो देख रहे हैं कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, मौसम भी बहुत काफ़ी सुहावना है और मेरे बालों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी हवाएं तेज़ चल रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में बने रही है। मैं इस वीडियो का खास मकसद ये है कि जो हम जहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ रेत ही रेत है और यहाँ पर जहाँ मेरा उंगली जा रहा है वहाँ पर पानी है और मैं सोन नदी के किनारे हूँ। और ये सोन नदी कहाँ पर है, एक पटना जिले की छोटी सी गांव जिसका नाम है मोहब्बतपुर। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको भी मोहब्बत हो जाएगा। ये वीडियो काफ़ी कैरियर से रिलेटेड है। इसका कॉन्सेप्ट ये वीडियो का ये है कि जिस तरह का यहाँ के जो लड़के लोग होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर फिजिकल फिट भी होते हैं और काफ़ी ये लोग मेहनत करते हैं नौकरी के लिए, डिफेंस लाइन में खास कर जाने के लिए। तो किस तरह का मेहनत है इन लोगों को, मैं आप लोगों के सामने आज वही दिखाने वाला हूँ। मैं आप लोगों के सामने वही दिखा रहा हूँ जो कि इस तरफ जितना भी बच्चे लोग हैं इसमें अभी खेल कबड्डी खेल रहे हैं। तो कबड्डी इसलिए ये लोग खेल रहे हैं, किस लिए खेल रहे हैं, मनोरंजन के लिए। और हम लोग को हालांकि मालूम है कि कबड्डी एक ऐसा खेल है जो कि आदमी इस तरह से इस खेल से पूरी तरह से फिट होती है और इसी के लिए साथ खेल रहे हैं। और लंबे चौड़े ये लोग बच्चे लड़के लोग हैं जो कि काफ़ी ये लोग पढ़ाई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं डिफेंस लाइन में जाने के लिए। और हमारे जो देखिए कबड्डी का जो यहाँ पर जो खेल है, कुछ तरीका बस वही है, बस जो इसका फील्ड है देखिए, ये जो चप्पल जो दिखाई दे रहा है ये इसका मेन जो पॉइंट होता है, जो जिस तरह से हम लोग गाँव में बोलते हैं हुद्दा, और बीच में जो रडार होती है इस तरफ का वो चप्पल से बनाया गया है। तो मैं इन लोगों से बातचीत करूँगा, अभी तो खेल में ये लोग काफ़ी बिजी हैं तो एक करके इन लोगों से मैं बातचीत करूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये लोग बच्चे लोग यहाँ से ट्रेनिंग भी लेते हैं ताकि कूद फान कर सके, यहाँ से कूदते भी हैं। और कुछ कुछ बच्चे लोग हैं कि बालू पे भी ज़्यादा दौड़ते हैं टायरों को बांध कर। हम सुबह में नहीं आए क्योंकि सुबह में लोग यहाँ पर दौड़ते हैं, अभी करीब करीब 12 बजे का समय है। 12 बजे की इतनी तेज़ धूप में ये लोग मेहनत करते हैं, खेल के ही रूप में बट मेहनत ज़रूर करते हैं। साहब आपका नाम क्या हुआ? हर्षवर्धन कुमार। तो आप लोग यहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं, तो मतलब इसे कबड्डी खेलने का मकसद क्या है? यहाँ पर मतलब ज़्यादा सेहत के लिए लाभदायक होता है और यहाँ पर बालू है तो यहाँ पीछे यहाँ से ऐसे राउंड लगाते दौड़ते हैं, सब आर्मी का तैयारी करता है और एयरफोर्स का ये सब का मतलब कि अपना फिजिकल का तैयारी करता है सब। देखिए हम लोग जैसे हम वीडियो में बताए थे कि यहाँ पर लोग फिजिकल की तैयारी करते हैं अनेक अनेक तरह से। सुबह में हम लोग आते तो दौड़ते हुए रूप में देखते हैं और अभी के समय जो 12 बज रहे हैं यहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं। तो आप लोग मतलब हमेशा यहीं पे बालू में ही तैयारी करते हैं? हाँ, यहाँ पर सभी लोग बालू में ही आते हैं सुबह दौड़ने और फिर शाम को फुटबॉल खेला जाता है। तो कई लोग ने बताया कि ये जो पीछे जो हमारे बैकग्राउंड में जो दिख रहे हैं, जो यहाँ पर टीला जो दिखाई दे रहे हैं, जो घास उसका जो है, तो इस पर से आप लोग शायद कूदते हैं या किस चीज़ का ट्रेनिंग किया जाता है आप लोग ऐसा? मतलब हम सुनने में नहीं, मतलब सब बच्चा लोग अपना ज़्यादा हाइट पर रहता है वो कूद कर देखता है कितना मतलब अपना क्षमता है, वही सब के ट्रेनिंग होता है। और क्या, इधर से पीछे वो सब टीला है ऊपर। अच्छा, और वहाँ आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम तो अभी आर्मी का तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है, आर्मी की तैयारी कीजिए। ये लोग बच्चे जो देश के भविष्य हैं। और आइए आप लोगों के सामने एक और व्यक्ति है हमारे सामने, इनसे भी कुछ। तो ये लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा मतलब हमेशा ये लोग किसी भी मौसम में मेहनत करते रहते हैं? किसी भी मौसम में मेहनत करते हैं लोग, मतलब बहुत दिल से मेहनत करते हैं जॉब के लिए। जॉब के? हाँ, हमेशा आते हैं लोग, कबड्डी वबड्डी खेलते हैं, दौड़ते हैं। तो सुबह के समय में अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर अक्सर हम सुनते हैं कि सुबह के समय में यहाँ पर गले में टायर बांध कर या पूरा कमर में टायर बांध कर लोग यहाँ पर दौड़ते हैं। हाँ, दौड़ते हैं सुबह में, रनिंग करते हैं। दोपहर के समय में ये लोग खेल का मनोरंजन करते करते, हालांकि फिजिकली से सबको ही फिट लग रहा है। तो ये जो मेहनत है ये लोग, हम बस भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि इन लोग को मेहनत रंग लाए। और बहुत सारे बच्चे हैं तो हम लोग जो हमने जो दो लोगों से बातें की वो भी देख रहे हैं कि शरीर से किस तरह से फिट है और अभी भी खेल रहे हैं। सो मैं हमेशा यही आशा करता हूँ कि आप लोग खेलते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और फिट रहिए। तो चलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और ऐसे वीडियो में बने रहिएगा, मैं नए नए वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।